చౌకీదార్ సంపన్నుల ఇంటి ముందు కాపలా ఉంటారని అన్నారు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ. పేద ప్రజల నుంచి డబ్బులు తీసుకుని అనిల్ అంబానీ, నీరవ్ మోడీల జేబులు నింపుతున్నారని బీజేపీపై మండిపడ్డారాయన. అసోంలోని గోలాఘాట్ లో జరిగిన బహిరంగ సభలో పాల్గొన్న రాహుల్ దేశంలోని పేదలందరికీ 12,000 కనీస ఆదాయ మద్దతు కల్పిస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. अनिल अंबानी के घर के सामने कितने चौकीदार हैं? भाई और बहनों, चौकीदार सिर्फ अमीर लोगों के घर के सामने खड़ा होता है. गरीबों के घर के सामने कोई चौकीदार नहीं खड़ा दिखाई देता. ये जो चौकीदार है, ये अनिल अंबानी का, मेहुल चौकसी का, नीरव मोदी का, विजय माल्या का, ललित मोदी का चौकीदार. इसका काम आपके जेब से पैसा निकालने का है, आपको बैंक के सामने खड़े करने का है. फिर से दोहराता हूं, हिंदुस्तान के 20% लोग महीने के 12,000 रुपए से कम कमाते हैं. जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम इन सब लोगों के नाम एक लिस्ट में डालेंगे. इन सब परिवारों के नाम, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी प्रदेश के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी सोच के हो, बस हिंदुस्तानी हो. और इन सब परिवारों के बैंक अकाउंट में हर साल हिंदुस्तान की सरकार 72,000 रुपए डालेगी. 4 साल पहले नरेंद्र मोदी जी आए, हर पब्लिक मीटिंग में उन्होंने अलग अलग वायदे किए, याद है आपको? 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने की बात की थी, याद है? याद है. भूल गए? भूल गए? आपके बैंक अकाउंट में पैसा मिला? कोई यहां एक व्यक्ति है जिसके बैंक अकाउंट में चौकीदार ने पैसा डाला? अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाला है चौकीदार ने. आपके जेब में कितना डाला? 1 रुपया डाला. गब्बर सिंह टैक्स लाए, आप असम के किसी भी छोटे दुकानदार के पास चले जाइए, चाय की दुकान में चले जाइए और पूछिए गब्बर सिंह टैक्स से फायदा हुआ या नुकसान? नुकसान हुआ. 5 अलग अलग टैक्स, 28% का टैक्स, दिन भर फॉर्म भरो. चौकीदार ने कहा है फॉर्म भरेंगे, चलो फॉर्म भरो, भरते जाओ, बर्बाद हो जाओ. ऐसा गब्बर